हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आज वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस जानेंगे। ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन जब भी आपका कोई कम्पिटेटिव एग्जाम होता है और उसमें कंप्यूटर एज अ पार्ट आता है, एक दो क्वेश्चन आने होते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट रहता है जिसमें आपको छांटना होता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है और कौन सा सर्च इंजन है। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑप्शन में गूगल क्रोम भी दिया हुआ है, ठीक है, और गूगल भी दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि यार गूगल और गूगल क्रोम एक ही है। नहीं नहीं देखो, समझते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि हमारा जो मोज़िला फायरफॉक्स है, ठीक है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, पहला डिफरेंस ये समझेंगे, ठीक है। गूगल हो गया, याहू हो गया, जिस पे हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है ना, कुछ सर्च करते हैं, कुछ कीवर्ड लिख दिया आपने, ठीक है, और वो सर्च होकर आ गया। जैसे कि आपने आजकल CUT एग्ज़ाम जो है लागू हुआ है, या फिर CTET है, ठीक है, DSSSB है, या फिर आप अपनी CBSE की साइट से कुछ देखना चाह रहे हैं, या कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसकी लास्ट डेट देखना चाहते हैं, तो आपने उस पर लिख दिया और वो सर्च होकर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो सर्च इंजन आपकी एक वेबसाइट होती है जो कि वेब पे से इन्फॉर्मेशन को सर्च करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स एक तरीके से ऐसे खुलता है और यहाँ पे जो है URL के लिए स्पेस बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे गूगल लिखा होता है, तो मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर भी गूगल होता है, गूगल क्रोम के अंदर भी गूगल होता है, ठीक है ना। तो गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है, और ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है ना। वेब पे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस पता है, आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र खोल सकते हैं। वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन चलता है, ये ध्यान रखें। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपने देखा होगा क्रोम, क्रोम के अंदर आप कुछ सर्च करते हैं जाके, है ना। तो क्रोम के अंदर गूगल चलता है, गूगल क्रोम एक तरीके से आपका वेब ब्राउज़र है, और गूगल सिंपल जिसके आगे ग्लास बना होता है, ठीक है, वो हमारा सर्च इंजन है। तो कई सारे सर्च इंजन जो हैं आपके ऑप्शन में दिए होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखो बच्चा, एक बार पढ़ लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता है वेब पेजेस से, जो वेब पेजेस वेब पे इंटरनेट पे स्टोर होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला जो वेब ब्राउज़र था वो किसने सर्च किया था, ये सर टिम बर्नर्स ली ने सर्च किया था 1990 में, एंड फर्स्ट, ठीक है, इस जो डेवलप हुआ था वेब ब्राउज़र, ये 1993 में डेवलप हुआ था, और मोज़ेक इसका नाम था, ठीक है। देन सर्च इंजन, सर्च इंजन की अगर हम बात करें, सर्च इंजन एक तरीके की वेबसाइट होती है, जैसे याहू एक तरीके की वेबसाइट है, गूगल एक तरीके की वेबसाइट है, वो करती क्या है, वो वेब पे से डाटा, ये इससे आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, ये सर्च करता है, इससे आप एक्सेस करते हो, इससे आप सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फेसबुक का एड्रेस नहीं पता कि www.facebook.com है, ठीक है, आप नॉर्मली फेसबुक लिख देंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड का नाम लिख देंगे उन फेसबुक ऐसे करके, यानी कि सर्च इंजन वेब पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के काम आता है, ठीक है, और ये फर्दर एक्सेस करने के काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने CBSE लिखा, ठीक है, CBSE आपने सर्च इंजन में लिख दिया, ओके। सर्च इंजन में लिखने के बाद CBSE से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने पेज पे से देखा कि ओके ये इन्फॉर्मेशन है, और जो आपको डिज़ायर चाहिए थी वो आपने खोल ली। तो अब आगे एक्सेस कौन कर रहा है, उसको वेब ब्राउज़र कर रहा है, और वेब ब्राउज़र में ही आपका सर्च इंजन चलता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो गूगल है सर्च इंजन है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे CTET लिख दिया, या फिर DSSSB लिख दिया, या फिर आपने CBSE के रिजल्ट के बारे में लिख दिया, ये हमारा सर्च इंजन हो गया, राइट। और सर्च इंजन के आगे ये ग्लास तो बना ही होता है, ये सर्च का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो ये मैंने जो जो थोड़े फेमस से सर्च इंजन है उनके नाम लिख दिए। गूगल, नोट गूगल क्रोम, गूगल क्रोम क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है, गूगल आपका सर्च इंजन है, क्योंकि इस पे सर्च करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, बैडू, येंडेक्स, डग डग गो, ask.com, तो ये आपके एपबॉक्स, ये कह सकते हो 10 जो हैं ये आपको याद रहने चाहिए, तो एक बार देख लोगे तो भी एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि कुछ जो वेब ब्राउज़र हैं आप देख सकते हैं जो नाम होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, एंड देन आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर
एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, ये हमारे सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, और ये हमारे सर्च इंजन हैं। वो कुछ सर्च इंजन के नाम भी मैंने आपको अभी बताए हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सर्च इंजन का? देखो, विंडो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स भी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याहू आपका सर्च इंजन है, ठीक है ना, याहू आपका यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन है। ओके, एमएस वर्ड तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिस पे हम काम करते हैं हमारे। अगर आपको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस होता है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बेसिक कंप्यूटर्स है जो आपको आना चाहिए, जो कि हर एग्जाम में आता ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे विच इज़ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, विंडोज़, गूगल, याहू या फिर गूगल क्रोम। ओके, तो आप आंसर कमेंट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।